सब्सक्राइब करें ज्योतिष SPS चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको अभी तक अपना परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है तो भले ही आपकी उम्र कितनी ही हो गई हो, आपको जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का है टॉपिक बिल्कुल ही हटके, जहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी राशि अनुसार आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी और छोटे छोटे अचूक उपाय हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो और भी आपको जल्दी उसका फायदा हो जाएगा। तो यहां शुरुआत करने से पहले रुकावट के लिए खेद है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो जाए तो जल्दी जल्दी कीजिए हमारी वीडियो को लाइक, क्योंकि एक लाइक तो दोस्तों बनता है और आपका ये एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन के बराबर है। तो चलिए बढ़ते हैं राशियों की ओर, जान लेते हैं शादी कब होगी। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। इनका विवाह फरवरी और जून महीने में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप शादी की बात चलाने जा रहे हैं, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो इन महीनों में कीजिए, आपका काम जरूर बनेगा। आयु के 23वें और 28वें वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो संभावना ये है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं जल्दी विवाह करना तो शुक्रवार को शिव जी के मंदिर में जाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें विवाह के लिए। और आगे इस क्रम में है वृष राशि। इनका विवाह जनवरी और अप्रैल महीने में हो सकता है। अगर आपकी उम्र है 21 और 29 साल के बीच में और आप चाहते हैं शादी की बात करना, रिश्ते की बात पक्की करना, तो आप कीजिए, आपकी संभावना है कि आपके बात पक्की हो जाएगी। इसी के साथ आप मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष लाल फूल चढ़ाएँ और प्रार्थना भी आप कर सकते हैं शादी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर बारी आती है मिथुन राशि की। इन लोगों का विवाह फरवरी और जून महीने में होने के ज़्यादा योग रहते हैं। आयु के 27वें और 29 वर्ष में अगर आपकी उम्र है तो प्रबल है आपकी संभावना शादी की बात पक्की होने में। इसी के साथ आप बृहस्पति वार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। देन यहाँ पर बारी आती है कर्क राशि की। इनका विवाह मार्च और नवंबर महीने में होने की संभावना ज़्यादा होती है। आयु के 25वें और 29वें वर्ष में विवाह होने के योग ज़्यादा रहते हैं, तो आप बात पक्की करना चाहते हैं तो इस योग में कीजिएगा। और इस योग को जल्दी लाने के लिए आप शीघ्र विवाह का एक उपाय कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और वह यहाँ पर बारी आती है सिंह राशि। इनका विवाह जुलाई और अक्टूबर के महीने में और 26 और 30 साल की उम्र के बीच में अगर आयु है तो शादी की बात कीजिए, आपके योग हैं, पक्की भी हो जाएगी। और इसी के साथ शीघ्र विवाह का एक छोटा सा उपाय, शनिवार को जल में काले तिल मिला के सूर्य देव को अर्पित करें, काम जरूर बनेगा। और इसके बाद यहाँ पर बारी आती है कन्या राशि वालों के लिए। इनका विवाह मार्च और अगस्त महीने में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार आयु ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे 27 और 32 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो यहाँ पर मजबूत है आपके योग विवाह के लिए। तो इसके लिए आप उपाय कीजिए, शीघ्र विवाह का एक उपाय है, बृहस्पतिवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डाल दी, उसके बाद वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कीजिए अपने विवाह के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, आपकी जरूर पूरी होगी जल्द से जल्द। और इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। इन लोगों का विवाह आम तौर पर जनवरी और दिसंबर महीने में हो जाता है। आयु के 20 और 28 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, विवाह के योग काफ़ी होते हैं, पर मौका संभालने की बात है यहाँ पर, तो आप वो मौका कैसे संभालेंगे। शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों को मीठी चीज़ें बांटें। जी हाँ, मीठी चीज़ें बांटनी है, किसी भी प्रकार की मिठाई हो या चॉकलेट हो, आपकी इच्छा। अब इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। इनका विवाह आम तौर पर जून और दिसंबर में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप बात करना चाहते हैं शादी के लिए तो इन महीनों में बात पक्की हो जाएगी। आयु के 21 और 26वें वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, विवाह के योग हैं, इसके साथ ही आप शीघ्र विवाह का उपाय कीजिए। करना क्या है, शिव जी को जल अर्पित कीजिए हर शुक्रवार को, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस तब तक कीजिए जब तक कि आपकी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। अब यहाँ पर बारी आती है धनु राशि वालों की। इन लोगों का विवाह आम तौर पर फरवरी और नवंबर महीने में हो जाता है। आयु के 20 और 24वें वर्ष में विवाह की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो भाई मौका संभालना है, काफ़ी कम उम्र में शादी के योग हैं,
लोग तो तरस जाते हैं जब उम्र निकल जाती है, उनसे पूछ के देखिए जिनकी उम्र ज़्यादा है। और अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो यहाँ पर हर बुधवार को भगवान गणेश को धूप अर्पित करें, हरी वाली धूप। तो अब हम जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। इनका विवाह जनवरी और मई में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 24वें और 23वें वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, मौका ना चूकें, मौका संभाल लिया तो शादी की बात भी पक्की हो जाएगी। शीघ्र विवाह का एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफ़ेद फूल डालकर अर्पित करें, आपका काम जरूर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। इनके शादी की बात जो है आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर महीने में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपकी उम्र 22-25 वर्ष के बीच में है, संयोग बनेंगे, मौका ना चूकें, बात भी पक्की हो सकती है। शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय, जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें डेली, जब तक कि आपकी शादी का रिश्ता नहीं आ जाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। इनका विवाह आमतौर पर जनवरी और मई महीने में होता है। आयु के 21वें और 26वें वर्ष के बीच में विवाह होने की संभावना ज़्यादा मजबूत होती है। शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, और तब तक जलाना है जब तक कि आपकी शादी के लिए बात पक्की नहीं हो जाती, डेली कीजिएगा इस उपाय को। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जाएं अपना समस्या बताएं, आपको समाधान जरूर मिलेगा। पर ध्यान रखिए, कृपया आप शाम को 7 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, विवाह में देरी का मतलब ये नहीं है आपका भाग्य ठीक नहीं है। चीज़ों को समय दें, सकारात्मक रहें, जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। और ऊपर से अगर आपके जीवन में है विवाह संबंधी कोई और समस्या, तो समाधान भी उसका मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैरिज की प्लेलिस्ट का, विजिट करें, अपनी समस्या का समाधान आराम से ढूंढिएगा। और मन में कोई सवाल या विचार रह गया कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।